Welcome to C++ programming tutorial. Today our topic is for loop. In last video we discussed about do while loop. So let's see the syntax of for loop. For and braces. So first thing you need to write in the braces is your initialization. Int a is equal to 1. ये आपकी initialization मुकम्मल हो गई है. उसके बाद द सेकेंड थिंग इज लिमिट योर कंडीशन जस्ट लाइक इन वाइल लूप ए मस्ट बी लेस दैन और इक्वल टू 10 और 20. सो हेयर आई राइट ए लेस दैन 8 मेक इट 10 सेमी कॉलन डो नॉट फॉरगेट टू राइट सेमी कॉलन इफ यू फॉरगेट प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट एंड द थर्ड वन इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए प्लस प्लस. After this you have to write curly braces and cout a and end l for break the line. A plus plus add 1 to the 1 2 then 1 add to 2 is equal to 3 and so on means add 1 to the previous value. Let's execute our code. So you see 1 2 3 4 5 up to 9. Because 10 is not less than 10, 10 वो इक्वल है उसे छोटा नहीं है तो उसने हमें 9 तक वैल्यूज प्रिंट करवा दी हैं. हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं. अगर इधर मैं सपोज 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ और हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी चेंज करना पड़ेगा कि प्रीवियस वैल्यू में अब 1 की बजाय 2 ऐड करना है. अगर 2 है तो 4, 4 है तो 6. तो देखते हैं तो हमारे पास आ गया 2 फिर उसने 2 ऐड किया उसमें 4 देन इट ऐड 2 इंटू 4 6 एंड सो ऑन. सो दिस इज़ आवर टुडे लेक्चर एंड अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप. यू कैन डू मोर एंड मोर एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस दिस. होप यू सी इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल विद अ न्यू टॉपिक. Do not forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.